ऐसे आपने भरपूर किरदार किए हैं और नेगेटिव किरदार किए हैं और उसमें जनाब जान डाल दी आपने। हम तो सहमे बैठे हैं। नहीं देखिए, दुनिया में आई थिंक दिखाने के लिए कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, वो उसका सबक हमारा जो टीवी है वो मेरे करीब ही है। मतलब मेरा ख्याल ये है कि वो एक बिलीफ सिस्टम्स का मीडियम है, लोग उसके थ्रू अपने बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, तो उनको दिखाना बड़ा जरूरी है कि बुरा करोगे तो बुरा अंजाम होगा। वेरी गुड, पब्लिक सर्विस मैसेज देती हूं। क्या कहें, छोटी एज में काफी समझदार होती जा रही है, काफी बड़ी हूं मैं। अच्छा यशमा, शुरू में ही आपने बड़ी उम्दा, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की बात कर दी, तो आप समझती हैं, आप जैसे जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आए हैं और बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, आप लोग देखे जाते हैं, वो नेगेटिव रोल है, पॉजिटिव रोल है, इसका मतलब है कि आर्टिस्ट में दम है तो वो देखा जा रहा है। तो आपने चेंज की बात की, आप कितना सोचती हैं कि यार ये मीडियम ऐसा है जिसके जरिए मैं चेंज ला सकती हूँ या उसमें अपना किरदार अदा कर सकती हूँ? ओके, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई विल शेयर विद यू। एक मैं ड्रामा कर रही थी जिसमें इसी तरह से, मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो तब तक एंडिंग नहीं आई हुई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्क्रिप्ट आती है तो 19-20 एपिसोड्स आई होती हैं, एंडिंग जो है वो डिस्कस हो रही होती है, तो हम साइन कर देते हैं। मुझे पता चला शूट के दौरान कि जो एंडिंग के कैरेक्टर की नेगेटिव कैरेक्टर था वो ये है कि वो खुदकुशी कर रही है। तो मैंने कहा यार, मतलब आई डोंट वांट टू इंडोर्स सुसाइड ऑन टेलीविजन, बिकॉज बहुत से ऐसे वीक माइंड होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, और वो स्पेशली जब आप डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी चीज का आप शिकार होते हो, आपके अपने बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है, नेगेटिव सोच होती है, अगर आपसे कुछ गलत हो जाए, और सच में भी अगर कोई इंसान बुरा है तो उसको आप ये लर्निंग दे सकते थ्रू यू नो आवर ड्रामाज या टेलीविजन, कि ठीक है यार आपने बुरा किया, आपको एक सबक आया है नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अब आप बदल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप खुद को मार दो। तो मैंने कहा ये मैं, मतलब आई कांट टेक दिस ऑन माय कॉन्शियंस। तो इस तरह से आई थिंक हम एक्टर्स कोशिश करते हैं। हाँ ऑफकोर्स हुआ थोड़ा सा, बिकॉज वो कैरेक्टर की डिमांड ही आई थिंक ये बन रही थी। मैंने अपने एंड पे कोशिश की थी, मैंने, मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में स्टेटस भी लगाया था, मैंने जब परफॉर्मेंस दे दी थी तो एपिसोड आने से पहले मैंने स्टेटस लगा दिया था कि ये मैंने किया तो है, लेकिन ये मैसेज मैं एक्चुअली कन्वे करना नहीं चाहती, लेकिन मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर थी और कुछ ऑब्लिगेशंस के अंडर थी। चाची, इनके स्टेटस की वजह से लड़कियां रुक गई और फिर उन्होंने शादी का फैसला किया। शादी तो बहुत खूबसूरत फैसला है। हाँ, तो उन्होंने दुआएं दी कि यशमा तेरा पुलाव बसंत, पता ही नहीं कि ये भी फैसला है। चले अब ये भी दुआएं दें कि मेरी भी हो जाए इंशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, इंशाल्लाह ये वाली खुदकुशी में करना चाहती हूँ। मैं शादी, अगर गुस्ताखी माफ, तो एक बात पूछ, जी 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 पूछिए, जिससे शादी करना चाहती हैं आप, कैसा होना चाहिए, मतलब क्या उसकी इमेज? उन्होंने बताया था बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। नहीं अच्छा तो मैं भी हां। एक कारदे ने पूछे कदे, यार एक मिनट ठहर जा, किसी की गल बन लेने दिया कर। वैल्यूज वाला आदमी हो, ईमानदार हो। वैल्यूज, वैल्यूज तो मेरी इतनी है कि मैं कह रहा हूँ पूरा मोहल्ला में लभदा फिरदा। किसे क्या, जिसको पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है उसने जरूर चोरी की होगी। वेल सेड यशमा। तो कैसा होना चाहिए आपके नजर में, क्या उसका दिमाग में क्या इमेज बन रहा है? आई डोंट नो हिज रियल नेम, बट एक सीरीज है वैम्पायर डायरीज, उनमें एक डेमन का कैरेक्टर है, तो आई थिंक वो, बट वो भी अगेन आई थिंक कैरेक्टर की वजह से, वो तो एक अलग कैरेक्टर, मगर वो आपको देखने में अच्छे लगते हैं। द कैरेक्टर वाज सच दैट मे बी द लुक्स आल्सो यू नो फेल्ट अपीलिंग। क्या नाम है उसका? डेमन। डेमन, डेमन, डेमन। लो जी, मैंने रोज डेमन डेमन कहा, मैं को मैंने पता नहीं क्या कहा। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस की वजह से या इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट की वजह से कभी यशमा गिल ने बहुत हैवी पेमेंट वाला प्ले छोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ अभी से आया नहीं कि मुझे लगे वो देख के कि मुझे, और कोई ऐसी हैवी पेमेंट्स भी यशमा गिल नहीं लेती। लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं बोलूं कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। जिस प्ले की आप बात कर रही हैं, अगर आपको पहले पता होता कि उसमें एंड में खुदकुशी, तो मैं उस टाइम पे उनसे बात करती इस बारे में, आई एम श्योर। और अगर वो कहते हैं कि नहीं यही करना है तो आप करती हैं कि छोड़ देती? नहीं, फिर मैं नहीं करती। फिर नहीं करते। चल देखिए, देखिए यशमा, वो हमारे एक शायर थे अहमद फराज, उनका एक शेर है कि वह चाइनीज प्रोवर्ब पे है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। वाह, समझ आया? नॉट रियली, बट नॉट रियली, आई थिंक शिकवा जो रात की जो तारीकी है ना, उसका शिकवा करने से, उसकी शिकायत गिला करने से बहुत बेहतर है, बेहतर है अपने हिस्से की कोई कोशिश किया जाए। सो यही इंसान कर सकता है, यही करना चाहिए। सो वो कि आपको उसका मौका नहीं मिला, लेकिन आपने कहा कि अगर मौका मिलता तो आप इनकार कर देती, उसके लिए हम बहरहाल आपको। अच्छा, मुझे यशमा बहुत अच्छा लगा, हमारे पास आपकी बहुत सारी कोलीग्स आई, मेल्स भी फीमेल्स भी, हमने देखा कि हम वो बातों का स्क्रीन पे दिखाते ना कि किसको क्या पसंद है, कौन लोग अच्छे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं
60-70 फीसद लोगों ने कहा कि यशमा बहुत फाइन, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ड्रा के तो नहीं रखा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आई थिंक कोई अच्छाई उनको मेरी अच्छी लग गई होगी शायद, जो इतनी तारीफ कर दी, वरना आई थिंक आई लर्न विद एवरी डे, इवन क्राफ्ट वाइज और इंटेलेक्ट वाइज और एनीथिंग वाइज। मैंने कहा ये आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। इनके वाली बात कभी ऐसा क्या है, इट मेड माय डे, मुझे नहीं पता, बस आई थिंक अल्लाह ताला का कोई करम है, अम्मी की दुआएं और मेहनत करो। देखती ऐसे हो कि शायद उनको लगता हो। अच्छा, कैसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि आप टाइप कास्ट होना शुरू हो गई कि भाई नेगेटिव तो यशमा बहुत अच्छी करती है? ऐसा होता है, और अक्सर मेरी फिर ये बात हो रही होती है प्रोड्यूसर से, मैं कहती हूँ यार दुनिया भर में ऐसा होता है कि एक से अगर कुछ नेगेटिव करवा दिया तो फिर उसके बाद वो पॉजिटिव करो तो चेंज में अच्छा लगता है। कलर और इंसान को आप एक ही चीज में करवाते जाओगे तो आवाम भी देख देख के बोर हो जाएगी। बट आई डोंट नो कि कॉन्टेंट टीम का क्या माइंड सेट होता है, बिकॉज मैं पर्सनली अगर मैं आवाम की उससे देखूँ तो मैं अगर एक एक्टर को एक ही दफा 10 दफा एक ही चीज करते हुए देखूंगी तो काफी लोगों को उसके बाद ये चीज समझाई जब मुझे पॉजिटिव चाहिए था। मैंने कहा वो देखे मिनाल ने पॉजिटिव कर करके जब नेगेटिव किया तो वो इतनी अच्छी लगी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो नेगेटिव भी कर सकती है। तो जब आप नेगेटिव से भी पॉजिटिव करवाओ तो लोगों का यही रिएक्शन होगा। समझ नहीं आई, नहीं मैंने किए पॉजिटिव्स भी, बट पता नहीं, आई थिंक खुद आपको ज्यादा, मेबी आई एम जस्ट बेटर एट नेगेटिव, आई डोंट नो। अच्छा यशमा, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कभी किसी ने आपकी आंखों की तारीफ की? हाँ, सवाल तो बनता करते तो हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले ट्रेड में किसने तारीफ की, याद रह जाता आदमी को? सबसे पहले मेरी आंखों की तारीफ किसने की? हाय, मुझे ये इससे बस ये याद आ रहा है कि एक जमाने में ऑर्कुट होता था, और ऑर्कुट में वो होता था ना बेस्ट फीचर, आपको अपना कौन सा लगता है, क्या उसमें लोगों के वोट्स आ सकते थे, तो उसमें लोग आइस करते थे मेरा। तो वहां से मुझे बस लगना शुरू हो गया कि अच्छा मेरी आंखें खूबसूरत हैं, इसका मतलब लोगों को पसंद आती हैं। ये तो जब दुनिया में आई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आंखें हुई हैं और साथ एक बच्ची है छोटी सी। हाँ, मैंने ऐसा सुना था अपने बारे में। बहुत बड़ी, उस वक्त तो बहुत बड़ी आंखें काफी, हाँ बड़ी, लोग कहते हैं मैं अक्सर ये बात। वैसा हादसा आपने देख ली कि आपकी आंखें खुली खुली रहेंगी? वेल सर, अच्छा भाई यशमा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और लाज बात है आप की जिस किस्म की सोच है, दिल चाह रहा है कि और ज्यादा आपसे इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू जो है वो सुनी जाए, मगर हमें जरा प्रोग्राम को थोड़ा सा शगुफ्ता भी बनाना होता है, तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रिडल्स। ओके, क्या है? आई एम क्लीन व्हेन आई एम ब्लैक, डर्टी व्हेन आई एम व्हाइट, व्हाट एम आई, या वो क्या है? इतना दिमाग मैंने जिंदगी में इतना नहीं लगाया कभी। अच्छा, I'm clean when I'm black. आज थोड़ा सा दिमाग इंस्टा के बगैर भी इस्तेमाल कर रहा है। Dirty when I'm white. अच्छा, मेरा ख्याल था फर्क पहुंच जाएंगी। हाँ, क्योंकि हम जैसे जो हैं वो पहुंच गए हैं। ये फिर आप लोगों जैसे ही सवाल होगा, बता दें। हेलो, कैसे? ये साइकोलॉजी आपने पढ़ी है? हाँ, साइकोलॉजी में ये नहीं था, ऐसे नहीं था। अच्छा, नहीं लेकिन थोड़ा सा था, हल्का सा। मैं नहीं कर सकती ये गैस। क्या कोई हिंट्स दे दें? नर्सरी क्लास में किस साल में आप गई थी? ये तो बकायदा चीटिंग करवा रहा है आपको। नर्सरी का सवाल है? अच्छा, मैं आपको, अच्छा, आप उसको ठहर ठहर के पढ़िए। ओ, वो बोर्ड। हाँ, बोर्ड जिसमें चॉक से लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड है वो, डर्टी तो नहीं हो जाता, लेकिन वो तो सिखा रहे हैं यार। ठीक है, डर्टी चलो, मतलब थोड़ा सा, लेकिन सवाल में मसला था। देखिए, सवाल में मसला था ये।